श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक की। हम सभी जानते हैं कि कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? जब कर्म हाथ में है तो फल भी तो हाथ में होना चाहिए। ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही है कि हे केशव, अगर मैं कर्म करने के लिए कदम बढ़ाता हूँ तो फिर मैं उस कर्म के फल को भी तो पाके रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं कि अर्जुन, सच कहूँ तो भाई ये तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में तो केवल और केवल कर्म करना है। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है कि कर्म ने वाधिव कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे हाथ में केवल और केवल कर्म करना है, इसलिए क्या स्थिति में क्या तेरा धर्म है, तुझे क्या कर्म करना चाहिए वो सोच के तू केवल कर्म किए जा, क्योंकि फल प्राप्त करना, किस कर्म का क्या फल है, ये तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा में बड़ा सुंदर इसका एक उदाहरण दिया गया है। अर्जुन कहते हैं कि केशव, कमाल करते हो आप, कहते हो कि मैं कर्म करूं, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन उसका फल भी तो मेरे हाथ में होगा कि मैं अगर खाना खाने के लिए बैठा हूं तो खाना खाकर तो मैं उठूंगा ना, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं कि अर्जुन, सच बताऊं तो ये भी तेरे हाथ में नहीं है। मान लो एक राजा है, धनवान राजा है, और उसके अनेक सेवक सेविकाएं हैं। वो भोजन करने के लिए बैठा है, काफ़ी खुश है। अचानक क्या होता है कि एक सेविका उसके लिए भोजन लेके आई है, और वो जैसे ही उसे भोजन देने लगी तो वो भोजन उसके ऊपर गिर जाता है और उसके होंठ पर चोट लगती है और लहू आने लगता है। उस समय वो खाना भूल जाता है और गुस्सा करने लगता है। अब देखो अर्जुन, वो बैठा तो खाना खाने के लिए था, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। तब अर्जुन कहते हैं, प्रभु चलो मान लिया, लेकिन जब कर्म करते हैं तो फल हाथ में क्यों नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि इसका उदाहरण है प्रारब्ध। अगर आपकी नियति में होगा, आपके प्रारब्ध में होगा, तो वो आपको जरूर मिलेगा, और प्रारब्ध भी कर्म करने से ही बनता है। आपके कर्मों का संचय होता है, उसके अनुसार ही उस कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है। इसलिए अर्जुन, तू चिंता मत कर, केवल और केवल कर्म पर फोकस कर, तेरा सारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, क्योंकि अगर तेरा ध्यान कर्म के फल पर जाएगा तो फल में तेरी आसक्ति बनेगी, तू केवल फल के बारे में ही सोचेगा, तू आगे कर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन, मैं तुझे कहता हूँ कि कर्म करना तेरे हाथ में है, फल की इच्छा नहीं। इस तरह से बड़ा सुंदर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में फल का अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने का अधिकार है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो महाभारत युद्ध कौरवों ने कितना अच्छा प्लान तैयार किया था पांडवों को हराने के लिए, कितनी सुंदर योजना बनाई थी, कभी चक्रव्यूह रचा, कभी शकुनी ने कुछ किया, कभी भीष्म पितामह जी सामने आए, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए, प्रारब्ध में नहीं था। इसलिए तो भैया, इस भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आप भी जीवन में कभी भी हार मत मानना और केवल कर्म करते जाना जो आपको धर्म के अनुकूल लगे, जो आपका धर्म हो अब वो ही कर्म करना। तो आज का ये वीडियो कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मैं आपके लिए लाया। आगे भी भगवत गीता से, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े और महाभारत से जुड़ी हुई कथा कहानी और प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के वीडियो को यहीं विराम, आपको मेरा प्रणाम। जय सियाराम, जय जय श्री राधे।